क्या लिखा ग्रंथ पुछिए अम्मा ठीक है पुछिए वो जो चलते चलते एक घर के ठहरिया तो वहाँ पर एक महात्मा जी थे तो उन्होंने बड़ा आदर सत्कार किया। आदर सत्कार करने के बाद सुबह जा रहा था बोला भाई जी कहाँ जा रहे हो बोले मैं ऐसे कैलाश पर्वत पर जा रहा हूँ एक महात्मा जी बताए हैं कि वो आगे की बता देते हैं कि क्या आपके कर्मों में क्या जा रहा हूँ बोले तो मेरे भी कोई गल पूछी नहीं बोले क्या गल पूछनी बोले 50 साल हो गए मुझे साधु बनोगे लेकिन मन मेरा फिर नहीं लगता इसके ने पूछा कि मन कह नहीं मेरा 50 साल हो गए मैं घर के कारोबार भी छोड़ूंगे लेकिन मन नहीं मिल रहा ठीक है महात्मा पूछ के आ जाऊँगा। अगे गया तीसरे दिन एक घर में ठहरा तो वो जिमीदार था जिमीदार ने आदर सत्कार किया सवेरे बोला भगत जी कहाँ जा रहे हो बोले ऐसे ऐसे जा रहे हैं तो बोले भी मेरा भी गल पूछी नहीं बोले क्या पूछी होगी बोले यार मेरी जड़ी जमीन है कुछ भी उपजता नहीं है घर का पत्थर मखा नहीं है कुछ भी पा सारा छुपी जाता बोले पूछी होगा और चौथे दिन जाके महात्मा जी के पास पहुंचे महात्मा जी आदर सत्कार किया हो भगत जी कैसे आए हो बोले ये गल पूछो बोले मुझे मालूम है कि आप इस करके पूछने के लिए लेकिन मैं जो है तिना गलों का जवाब नहीं सकता चौथी गलत नहीं दे सकता तीन उत्तर पूछ ले जेडे तू पूछने उसने सोचा तो जी दी जे कुड़ी नहीं गलांदी बेचारी की सब गल जरूरी है अगर तुम कुड़ी गलाई पाओ तो ठीक है। दूसरा जो महात्मा बोलता तुम जो 50 साल हो गए महात्मा ने मेरे दिल नहीं लगता तो भी पूछी रहता। तीसरा जो बोले मेरी जमीन उतनी जी कुछ भी पैदा नहीं होता तो भी पूछी रहता अपनी बारी कोई बात नहीं करते कहते ये वो पुकार है अपने लिए नहीं पूछा उसने। तो उसने बोला कि ये जो जिमीदार है किसी जमींदार के पास सोने के कंस दबे हुए हैं इसलिए ऊपर खेती नहीं होती है फल नहीं लगते सूख कर जाते हैं उसको बोलो इस धरती को चुफेरे से खोदो और सोने के कंस धान जो खड़ा हुआ है उसको निकाल लो तेरी जमीन जो है उपजाऊ हो जाएगी। आ गया रात को जो है वहाँ पर जमींदार के पास ठहरा बोले भगजी जाई आए बोले जाई आए तो मेरी गल पूछी बोले पूछी क्या गलाया बोले तीन गलाया इसलिए ना खोद खटे हुए इसलिए फांसी नहीं लगता है खोद इसे सोने के कंस निकलने और सोने के काम से काफ़ी धान निकला उसको। बड़ा जिम्मेदार खुश हुआ कि आपकी वजह से मैं कितना अमीर हो गया ये तू है लेकिन सारे बड़े मुझे कुछ नहीं चाहिए लेकिन उसने जबरदस्ती अद्धा धन भी ले तो बड़े अद्धा धन तू ले जा ते अद्धा मैं रखी लेता ले जा अद्धा धन। आई जब महात्मा जी के पास में पूछी आए बोले क्या गल बोले तू जड़ा बिच हीरा रखूगा ताले तू भजन से बैठता ताले तेरा ही ख्याल रहा कि हीरा थले न डिग जाए किसी को पता लग जाए चोरी नहीं को भी ले जा तो तेरा मन कुछ इतने लगना कटिया पढ़ाई ना जटा बिटा तो बोले तुम्हें समान मेरा मन तो लगे और हीरा उस लड़के को दे दिया वो अगे चली आया जब अगे आया हथ बुढ़िया पूछया बच्चा मेरी भी गल पूछी ही बोले पूछी जी बोले क्या बोले दसिया ती जो जो दिखी कने सह गलाई पौगी ना गलांदी नहीं समझो सब इतिहास का पति होना इन्हें जैसे मुंडू दिखा कने गलाने लगी पी ते बोले बच्चा तो तेन ब्याह करी उसी ब्याह करी तो घर आया माता जी ने बोले बच्चा जाई है बोले जाई है बोले तो एक कुड़ी कुड़ी बोले तेरी नू बुंडे कने खतरा हो पिछे लोड करने बोले धन का रोटी सारी तो इके बोले लाल करोड़ का तो ऐसे है कि भगवान जो है वो सबको देता है समय समय पर देता है उसका कोई अंत नहीं है। इसलिए तमन्ना हर इंसान की हमेशा खुशी और आनंद से रहूं दुख मुझको सताए कभी ना सदा खुशियों से भरपूर रहूं बुलाकर प्रभु के नाम को सुख चैन कहाँ से पाएगा सुख की इच्छा तब पूरी होगी जब माल का नाम दिल में बसाएगा जब माल का नाम दिल में बसाएगा तो काम पूरा नहीं होगा। श्री गुरु महाराज की जय बोले गुरु को बोलना नाम जप।